ओके बेटा, रिवीजन ऑफ लिस्ट लिस्ट के प्रोग्राम होंगे यहाँ पे। फर्स्ट मेक ए प्रोग्राम टू इनपुट मेक ए प्रोग्राम टू इनपुट ए टू लिस्ट क्रिएट अनदर लिस्ट कंटेन्स सम ऑफ टू एलिमेंट्स। तो सपोज बेटा जो लिस्ट होगी इक्वी लिस्ट होगी, मीन्स दोनों की लेंथ सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिस्ट इज एंड सेकेंड लिस्ट इज तो आपके पास जो रिजल्टेंट लिस्ट होगी दैट इज 10 प्लस 12 22 देन 52 86 52 एंड ठीक है। तो एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा आप तुमने बनाना है। तो फर्स्ट डिक्लेयर टू लिस्ट, इनपुट भी ले सकते हो आप और यू कैन इनिशियलाइज द वैल्यू। In case you want to input the value, which function you will use? Eval, ठीक है? तो एक आपने empty list declare करनी है। Now start the loop for I in range. Now A and B length is same, ठीक है? अगर length same नहीं होती तो आपने जो largest है list उसके मुताबिक आपके परफॉर्मेंस परफॉर्म करना था। यहाँ पे अपनी लेंथ ऑफ ए, तो इट मींस टोटल 6 टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूटेड और बिगिनिंग में आई की वैल्यू होगी 0 देन 1 2 3 लाइक दिस। नाउ सी डॉट बेटा 6 टाइम 0 to 5 वन स्टेप बैक फाइव यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 का मतलब है 5 ठीक है। तो 0 to 5 मींस हो गए तो 6 टाइम तो 5 है। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास जो जो भी लेंथ है उसका एक स्टेप पीछे रखा आपने, तो इफ यू वांट टू ऐड द एलिमेंट इन एनी लिस्ट देयर इज वन मेथड दैट इज कॉल्ड अपेंड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपेंड मेथड लगाना है, अपेंड। Now a of i plus e of b of i, and after this loop print c. Let me quickly implement this. This is the addition of. Thank you.
अब जिनका हो गया जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। The length of A and B must be same, otherwise you will have to frame a different logic. ठीक है? अगर आप length different कर दोगे, problem आएगी, error आएगी। Okay, friends. Next program. आपने दोनों A और B को ज्वाइन करना है, ठीक है? अमित सुंदर addition will be both element will be added in the scene. But in a such way that कि इनमें से जो largest है वो पहले आएगा, ऐसे आए 12 फिर 10 क्योंकि 12 is largest, 10 is smaller. अब 32 और 20 में से largest कौन सा है? 32. तो पहले उसके बाद 32 फिर 20, ठीक है? Then 56, 30, then 40, 12, then 50, 30. Means you are going to merge two different lists, but in a such a way that the largest element will become first, smaller after that. देखते हैं हमें से कौन logic develop करेगा। ये आपको क्लियर हो गया था? ये पहला वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा? ये आप नहीं क्या कर रहे बेटा, देखो आई की वैल्यू 0 1 2, तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है उसका, ठीक है? ऐसे 0 1 2 3 4, तो आपने क्या किया, ए 0 प्लस बी 0 मींस 10 और 12 दोनों को ऐड किया सी में इंसर्ट कर, ठीक है? देन 20 और 32 को ऐड किया सी में इंसर्ट कर दिया, देन 30 और 56 को ऐड किया सी में इंसर्ट कर दिया। इट मींस योर रिसेंट सी की वैल्यू होगी 22, देन 52, देन 86 लाइक दिस। क्लियर? तो इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। सिंपल बिना प्रैक्टिकल के दोनों की वैल्यू अपडेट करनी है हमें।
means in this case जो दोनों की वैल्यू अपडेट होगी, पर जो पहले लार्जेस्ट है वो पहले आएगी, स्मॉलेस्ट बाद में. तो मैं लॉजिक बना रहा हूँ यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, हियर इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन बी ऑफ आई, ए ऑफ आई इज ग्रेटर, तो पहले अपेंड क्या होना चाहिए? ग्रेटर वैल्यू. ठीक है, तो सी डॉट अपेंड ए ऑफ आई. अब हमने बी को भी तो अपेंड करना ही है ना, तो उसके बाद बी को अपेंड करो. सी डॉट अपेंड बी ऑफ आई, बट एल्स एल्स के केस में विच वन इज ग्रेटर, तो पहले बी को करोगे उसके बाद ए को करोगे. सिंपल लॉजिक है बेटा इसमें. And print C. Can you be clear? Is it clear? Can you clear it? Apply this one. नेक्स्ट प्रोग्राम जी, नेक्स्ट करें, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? आउटपुट बेटा इंप्लीमेंट करो ना इसको. नेक्स्ट प्रोग्राम इज लिस्ट बेटा, आउट ऑफ दीज टू लिस्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी एडेड. ठीक है, जैसे 12 और 10 और 11, 12 है और 10 है, तो उसमें से 12 ऐड होगा, 10 नहीं ऐड होगा. नेक्स्ट टाइम 32, फिर 56, फिर 40, फिर 50. ये देखो बेटा, ये वाला हटा दे और नीचे से ये वाली हटा दो. इसमें सबमिट,
ओके नेक्स्ट इज ये पहले आपने करना ये तो सिंपल हो जाएगा एड टू लिस्ट ए एंड बी दोनों को मर्ज करना है पहले ए के एलिमेंट्स आने चाहिए फिर बी के एलिमेंट्स देखो बेटा ए में फर्स्ट सी में फर्स्ट ए के एलिमेंट्स आफ्टर दैट बी के एलिमेंट ठीक है आपके पास डाटा इस तरीके से आना चाहिए सी में अप्लाई द लॉजिक पहले ए वाली लिस्ट आनी चाहिए तो बी है कंबाइंड तो सिंपली बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है ये देखिए बेटा इधर फर्स्ट ऑफ ऑल सी इज इक्वल टू ए तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए विल बी सेव्ड इन सी ठीक है ए के एलिमेंट हो गए कंप्लीट अब आपने क्या करना है लूप चलाना है बी की लेंथ तक ठीक है और यहां पे सी डॉट अपेंड यहां पे लूप के रेंज के बिना भी आप लूप लगा सकते हो वैसे भी लगा सकते हो बेटा इन रेंज इंडेक्सिंग इज जीरो वन टू थ्री बट वेन एवर यू आर यूजिंग फोर आई इन बी तो ये वैल्यू पिक करता है ठीक है तो अगर आपने इस यहाँ पे अपेंड आई लिखते हो तो इससे क्या होगा सी में पहले ये ऐड हो जाएगा सारे उसके बाद नेक्स्ट टाइम फोर आई इन बी तो आई की वैल्यू 12 होगी वो सी में चली जाएगी फिर 32 होगी ये सी में चली जाएगी देन 56 सी में चली जाएगी यहाँ पे रेंज भी लगा सकते हो रेंज लगानी है अगर आपने ऐसी रेंज लगानी है इन रेंज मैं बताता हूँ नहीं ऐसे रेंज इफ यू आर यूजिंग रेंज आई ठीक है आई यूज कर रहे हो ऐसे रेंज से तो आपको ऐसे ऐड करना पड़ेगा आपको बी ऑफ आई अदरवाइज वो ऐड क्या करेगा 0 1 2 3 इंडेक्सिंग ऐड कर देगा अगर आई आप ये भी वर्क कर सकते हैं पर अगर आपके पास हाँ ये भी वर्क करेगा आपके पास तो नो नीड ऑफ एनी लूप बेटा Now one program is from dictionary. ठीक है dictionary में से एक program पर वो बता रहे हैं Okay, students, you will create one dictionary student, ठीक है? आपने input लेनी है, मैं यहाँ पे initialize कर रहा हूँ। पहले student का name होगा, ठीक है? Then marks in 5 subjects. अब हमने क्या करना है इसमें से फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करोगे फाइंड आउट द एवरेज इफ एवरेज इज अबव 80 दैट इज ए ठीक है
बिलो 80 ग्रेड इज बी, और ये आपने सेट की एक लिस्ट में ऐड करवाना है ग्रेड, ठीक है। तो आपने ये गिवन है, ठीक है, इसका टोटल आ गया, टोटल के बाद आपने इसका एवरेज निकाले। इफ एवरेज इज अबव 80 या 80 या 80 अबव, ग्रेड इज ए, एस ग्रेड इज बी। तो सपोज इसका ग्रेड ए है, इसका बी ग्रेड है, ठीक है, लाइक दिस। तो आपने उसको एक लिस्ट में ऐड करवाना। और हाउ वी यू कैन गेट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, अगर इनपुट लेनी है इसकी, नो इसको सॉल्व बेटा, क्योंकि अगर आपके पेपर में इफ देयर इज अ प्रैक्टिकल पेपर तो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, नॉट अ सिंपल क्वेश्चंस। तो आई एम गोइंग टू टाइप द कोडिंग। फर्स्ट डिक्लेयर वन एम्प्टी डिक्शनरी, बेटा इंप्लीमेंट एम्प्टी डिक्शनरी, देन टेक द इनपुट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यूजर विल एंटर 1, 2, 3 जो भी एंटर करना उसने, जितने भी नंबर्स हैं। स्टार्ट द फॉर लूप, तो इफ यूजर एंटर 5 तो 5 टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। टेक द इनपुट ऑफ नेम, then subject one, बेटा मैं I am taking 3 subject in place of 5 क्योंकि 5 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। subject one load input enter marks of subject one, then subject 2 here is subject 2 then subject 3। अगर आपने 5 लेने तो 5 आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। क्लियर यहां तक? दीपक अपनी बातों में बिजी है। नेक्स्ट इज डिक्लेयर, नाउ ऐड द एलिमेंट इन द डिक्शनरी। कैसे ऐड करोगे? नेम ऑफ द डिक्शनरी इज टू स्क्वायर ब्रैकेट की, यहां पे कौन सी है, नेम इज इक्वल टू इन द शेप ऑफ लिस्ट और टपल, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री। एनी डाउट है? पहले इतना इंप्लीमेंट कर बेटा, प्रिंट स्टू, after that we will continue this coding meta, quickly do this।
The current next increment. चलो बेटा नेक्स्ट इज अब आपने क्या करना है यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर दी हमने यहाँ पे ग्रेड I में क्या आएगा फर्स्ट टाइम नेम फिर सेकंड टाइम नेम ऑफ सेकंड स्टूडेंट ओके तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टोटल इक्वल टू क्लियर नाउ इन बिगिनिंग यहाँ पे आपने टोटल को टोटल इज इक्वल टू टू I in my first record square bracket में zero marks in first subject ठीक है दीपक ये clear है suppose first name में हमने input कराया था अमित ठीक है तो यहाँ पे आएगा student यहाँ पे अमित अमित zero means ये आपके पास ये आ गया आपके पास ये सुमित है तो I में सुमित है तो जब आप लिखोगे स्टूडेंट सुमित जीरो जीरो मीन्स 78 आ गया ठीक है उसमें आपने ऐड कर दिया आई वन देन प्लस टू आई टू तो थ्री सब्जेक्ट्स टोटल आ गया अब एवरेज फाइंड आउट करो एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय थ्री एंड सेट द कंडीशन हियर इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो लिस्ट में आपने क्या ऐड करना है ग्रेड ए ठीक है तो आपके पास लिस्ट है ग्रेड
ठीक है, डॉट अपेंड, क्या है अपेंड करोगे, ग्रेड ए, एल्स रिमूव, क्लियर, ग्रेड डॉट अपेंड, एंड नाउ प्रिंट ग्रेड. तो ये पिक कर लेगा गगन को, ठीक है, फिर ये गगन का टोटल आ गया, गगन की एवरेज, ये सॉन्ग नहीं सुनने डायरेक्ट डॉग बेटर कहीं मार चुका हूँ उसमें.